राजधानी काबुल में आज एक हफ्ते में दूसरा बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 95 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 150 से ज्यादा घायल हुए। काबुल में मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। काबुल आज फिर एक जबरदस्त बम ब्लास्ट से दहल उठा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक विस्फोटक एक एम्बुलेंस में छिपा कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस सुरक्षा बलों के चेक पोस्ट के पास पहुंची, उसमें धमाका हो गया। धमाके में करीब 150 लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। 7 दिन में यह दूसरा मौका है जब काबुल में इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले 20 जनवरी को आतंकियों ने काबुल में एक होटल पर हमला करके लोगों को बंधक बना लिया था। 12 घंटे तक सेना और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग के बाद 18 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग घायल हुए थे।